मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा आरएमएस सीईटी 2020 जिसका एग्जाम आपका 19 सितंबर को हुआ है एंड जिसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है एंड जो मिलिट्री स्कूल है उन्होंने कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दिया है कि इस डेट को एग्जाम डिक्लेयर होगा, बट आप मान के चलिए कि उसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जल्द से जल्द आने वाला है एंड वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। मिलिट्री स्कूल सोसाइटी जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मिलिट्री स्कूल सोसाइटी आप टाइप करके सर्च करोगे तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, वहां पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो। सीईटी नोटिस लिखा होगा वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा एंड या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही हमें पता लगेगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हम वहां पे अपडेट कर देंगे एंड या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप जुड़े हुए मीन सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। एंड इसके अलावा बात करते जो आपका मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हुआ है जो 19 सितंबर को, तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी था। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि मेरा ये स्कोर बन रहा है, ये स्कोर बन रहा है एंड बहुत से यूट्यूबर उन्होंने अलग अलग कट ऑफ बताया एंड कुछ यूट्यूबर से उन्होंने ये बताया कि जो क्लास 6 का कट ऑफ 160 रहेगा, 170 रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि 160 जो पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है बट क्लास 6 का कट ऑफ तो 150 मार्क्स से बनता है। क्लास 6 का कट ऑफ आपका 150 मार्क्स से बनता है, इंग्लिश ओनली क्वालिफाई था तो जो हमने जो आपको जो एक्सेप्टेड कट ऑफ था हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो हमने आपको अपडेट किया था, वहां पे आप चेक कर सकते हो एंड जो कट ऑफ क्या रहने वाला उसका वीडियो भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एंड जो कट ऑफ है उसका वीडियो हमने पेपर से 2 डेज बाद मतलब पेपर एनालाइज करके उसके बाद हमने अपडेट कर दिया था कि ये कट ऑफ रहने वाला है एंड जहां हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो एकदम परफेक्ट कट ऑफ जो हमने डाला है एंड उसमें 2 से 4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 110 में भी सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर इंटरव्यू तैयारी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे क्योंकि पेपर बहुत इजी था एंड कॉम्पिटिशन को नॉर्मल कॉम्पिटिशन नहीं था तो आपको वहां पे देखना है एंड फिर रही बात इंटरव्यू की तो क्लास 6 का है इंटरव्यू होता है वो आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है एंड जो इंटरव्यू जो मार्क्स होते हैं वो आपके कंप्लीट जो आपका मार्क्स होगा उसमें मतलब मेरिट में जो मार्क्स होगा मेरिट में आपका इंक्लूड होता है, मीन जो इंटरव्यू मार्क्स है जो फाइनल मेरिट होगा उसमें आपका इंटरव्यू का मार्क्स इंक्लूड होगा एंड इसी टाइप से क्लास 9 का जो 200 मार्क्स का पेपर होता है एंड 200 से आपका भी मेरिट बनेगा बट जब इंटरव्यू हो जाएगा आपका इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है तब आपका 250 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा फाइनल मेरिट। तो प्रोसेस क्या है, अभी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा आपको या तो आएगा सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड या फिर क्वालिफाइड। क्लियर, सिलेक्ट क्वालिफाइड हो गया तो क्वालिफाइड 2 टाइप से होगा, एक तो नहीं क्वालिफाई हुआ है, एक क्वालिफाई हुआ प्लस साथ में इंटरव्यू कॉल भी हुआ है, एक तो नहीं क्वालिफाई हुआ है, एक क्वालिफाई भी हुआ है साथ में इंटरव्यू कॉल भी हुआ है। तो जिनको इंटरव्यू कॉल होगा तो इंटरव्यू आपके कहां लगेंगे, जितने भी मिलिट्री स्कूल से मीन 5 मिलिट्री स्कूल है, 2 आपके कर्नाटक में बेंगलुरु बेलगाम, 2 आपके राजस्थान में अजमेर धौलपुर, 1 आपका चेल शिमला में मिलिट्री स्कूल है। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो मिलिट्री स्कूल में ही होगा एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रिपरेशन आपने अजमेर पढ़ा तो आपका अजमेर इंटरव्यू कॉल होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका इंटरव्यू कॉल किसी भी मिलिट्री स्कूल में हो सकता है। क्लियर, एंड इसके बाद इंटरव्यू में बात करते हैं तो इंटरव्यू में जैसे बहुत से बच्चे प्रिपरेशन में कर रहे होंगे इंटरव्यू की तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इतना एडवांस नहीं चलना है। क्लियर, पहले आपका पेपर क्लियर हो जाए, जब आपको इंटरव्यू कॉल होगा तो आपको 10 टू 15 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा, उसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड इंटरव्यू का मीन्स क्या होता है, इंटरव्यू का मीन्स होता है कि खुद को इंट्रोड्यूस करना एंड ऐसा कुछ भी नहीं कि इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे क्वेश्चन लर्न करना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे क्योंकि बहुत से जो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू होते हैं उनमें आपको उनकी बायोग्राफी देखना, वो खुद बताते हैं कि जैसे उनसे 10 क्वेश्चन पूछे गए बट उन्हें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते फिर भी वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। क्लियर, तो इंटरव्यू का मींस ऐसा नहीं है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में देखा जाता है आपका बात करने का तरीका एंड आपका बिहेवियर एंड आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, मेन चीज तो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो चाहे सही हो चाहे गलत हो बट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर, एंड आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है कोई भी कैंडिडेट जाएगा तो सबसे पहले उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि आपने एकदम स्पीड से फ्लडदार बता, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 to 5 लाइंस, अपना नेम हो गया, अपना एज हो गया, फादर्स नेम एंड फादर्स का जॉब, मदर्स नेम, मदर्स का जॉब एंड आपकी हॉबीज वगैरह, तो जो बेसिक चीजें
तो इंटरव्यू में ओनली बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपको फालतू में टाइम वेस्ट एंड पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, एकेडमी वाले हैं जो आपको इंटरव्यू की आपको वन मंथ की प्रिपरेशन करवाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़े। क्लियर? तो इंटरव्यू का मीन्स ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में ओनली जो 4 to 5 जो कैंडिडेट बैठते हैं, ओनली 1 कैंडिडेट जो आपसे आंसर पूछता है, बाकी जो कैंडिडेट होते हैं एक आपका आई कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसे रहता है एंड एक आपका जो बॉडी लैंग्वेज देखता है, एक आपका ड्रेसिंग सेंस एंड ड्रेस की बात करते हैं, तो जो प्रॉपर जो फॉर्मल ड्रेस है ब्लैक पैंट हो गया एंड आपका व्हाइट शर्ट हो गया एंड ब्लैक शू हो गए, एंड अगर आप टाई लगाना चाहो तो टाई लगा सकते हो, हेयर कट हो गया एंड जो नॉर्मल चीज है वो चीजें देखी जाती है बेटे। एंड इंटरव्यू का मीन्स ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए तभी आप सिलेक्टेड होंगे इंटरव्यू में पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, बट आपका जो बिहेवियर है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका एटीट्यूड एंड बात करने का जो तरीका है, अगर वो एकदम अच्छा है तो तब भी आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे। एंड एक बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको देखना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, एंड इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू कॉल होने के बाद आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मुश्किल से 5 डेज सफिशियंट है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है, मींस उन्हीं का आपको नॉलेज गेन करना है, बाकी अदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, ठीक है बड़े। एंड जैसे आपका जो रिजल्ट आएगा हम आपको यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू या हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपको अपडेट कर देंगे। एंड जो भी कैंडिडेट जो आपका दिसंबर सीईटी 2021 होने वाला है, RMS CET-2020, तो उसकी प्रिपरेशन कोई भी कैंडिडेट करना चाहता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। एंड RIMC का बैच भी स्टार्ट हो चुका है एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जिसका फॉर्म अभी निकला हुआ है, जिसका लास्ट डेट 26 अक्टूबर है, तो वो भी अगर कोई कैंडिडेट उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ओके बड़े, बाय बाय।